हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ कृषा का इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कृषा अभी अपना आफ्टरनून नैप ले रही है, तो आज के एजेंडा के अकॉर्डिंग हम आज कृषा को भगवान श्री कृष्णा बनाएंगे कॉस्ट्यूम पहना के। तो जब तक वो सो रही है तब तक मैं उसे कुमकुम वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि वो एक बार उठ जाएगी तो कुछ भी करने नहीं देगी। अभी बहुत ही सुकून से वो सो रही है, तो अभी उसे कुमकुम लगा देते हैं। तो कुमकुम लगाने से पहले आपको एक टिप्स देना चाहूँगी। अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है, लाइक 3-4 महीने से भी छोटा है, तो बच्चे को बाहर से ख़रीदा हुआ जो कुमकुम होता है ना, वो मत लगाइए, क्योंकि हो सकता है उसमें केमिकल्स होते हैं, तो हो सकता है कि बच्चे के स्किन में कोई इन्फेक्शन या फिर रैशेस आ सकते हैं। अगर आपको मतलब लगाना है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार पूछ सकते हैं, नहीं तो बच्चे के ऊपर एक स्किन के ऊपर एक ट्रायल टेस्ट आप कर सकते हैं, उसके बाद ही बच्चे के ऊपर ही अप्लाई कीजिए। तो फाइनली मैंने कृषा को कुमकुम लगा दिया है, और कुमकुम लगाने के बाद हमारी कृषा कैसे लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो काफ़ी क्यूट लग रही है, और सोते हुए और भी ज़्यादा क्यूट लग रही है। तो कुमकुम ख़त्म हो गया है, अभी हम करेंगे कृषा की डायपर चेंज। अभी तक वो सो रही है, लेकिन जब भी मैं डायपर चेंज करती हूँ ना, वो एकदम से उठ जाती है। तो अभी हम डायपर चेंज कर देंगे, उसके बाद वो अपना फर्स्ट फीड लेगी। तो फाइनली हमारी कृषा उठ गई है, लेकिन वो अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन में है कि अभी और भी ज़्यादा सोना है कि उठ जाना है। तो कृषा जब भी नींद से उठती है ना, उसे तुरंत अपना मम्मा चाहिए होता है, मतलब एकदम से वो चेक करती है मम्मा आसपास है कि नहीं, फिर मम्मा को देख के क्यूट सा स्माइल करती है, उसके बाद जाके वो उठती है। अगर आपका बेबी भी ऐसा करती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी हम माँ बेटी थोड़ा खेलू खेलू करते हैं, उसके बाद कृषा एकदम से एक्टिव हो जाती है, उसके बाद वो लेती है अपना फास्ट फीड। तो अभी कृषा अपना फीड ले रही है। तो उसके बाद मैंने कृषा का कॉस्ट्यूम रेडी कर दिया है, अभी हमारी कृषा ये कॉस्ट्यूम पहनेगी, और उसके बाद भगवान श्री कृष्णा जी बनेगी। वो देखते हैं वो कैसे लग रही है ये कॉस्ट्यूम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली ये रहे हमारे कन्हैया जी। कृषा का ये लुक आपको कैसे लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बहुत सारा फ़ोटो वीडियो रील्स बनाने के बाद अभी हमने कृषा को चेंज कर दिया है, और वो थोड़ा खेलू खेलू करेगी अभी अपना टॉय के साथ। ये है बच्चों का म्यूजिकल प्ले जिम, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था, और इसका जो लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट, सेंसरी डेवलपमेंट और ऑडिटोरी डेवलपमेंट में ये काफ़ी मदद करता है। अगर आपको परचेस करना है तो आप लिंक में जाके परचेस कर सकते हैं। तो रात को ये टॉय देने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कृषा इस टॉय में खेल के एकदम से थक जाती है, और उसके बाद वो अच्छे से फीड लेके सुकून से सो जाती है। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग थिंग, कृषा क्या कर रही है, अपने मामा के सपोर्ट में ऐसे बैठ के पियानो बजा रही है। पहली बार हम मतलब देख रहे हैं वो पियानो ऐसे बजा रही है, कि लाइक देख के तो हम एकदम से शॉक में आ गए कि कैसे एकदम चाव से बजा रही है। अभी कृषा का टॉय के साथ खेलना ख़त्म हो गया है, अभी वो मम्मा के साथ खेलेगी। देखिए कैसे लाइक वो अपना माउथिंग शुरू कर दी उसने, अभी उंगली ऐसे माउथ में ऐसे डाल के एकदम से खा रही है। ये भी एक माइलस्टोन होता है 4-5 महीने के बच्चे का,
तो अभी हम माँ बेटी खेलू खेलू कर रहे हैं, देखिए वो कैसे जोर जोर से स्माइल कर रही है, ये भी बच्चे का एक माइलस्टोन होता है। अभी ना बच्चे कुछ भी देखेंगे, छोटे मोटे कुछ भी चीज़ देखेंगे ना, एकदम से मुंह में डालेंगे खाने के लिए, हाथ भी अपना, पैर भी, और कुछ भी टॉय दीजिए, कुछ भी दीजिए, वो एकदम से मुंह में डालेंगे लाइक खाने के लिए, तो ये भी एक माइलस्टोन होता है। अभी हमारा कृषा एकदम से थक गई है, मैं उसे दे रही हूँ फीड, उसके बाद हमारी कृषा सो जाती है एकदम से। तो अभी देखिए कृषा कैसे अपना फीड लेते हुए मुझे नोच रही है। अभी बच्चे बहुत नोचते हैं, बाल खींचते हैं, ये भी एक तरह का माइलस्टोन ही होता है। तो अभी फाइनली हमारी कृषा सोने की कोशिश कर रही है, ऑलमोस्ट सो ही रही है। तो फाइनली हमारी कृषा सो गई है, वो हमेशा एक आंख खुला करके एक आंख बंद करके सोती है, और जब मैं अपने उंगली से एक मतलब थोड़ा सा इसे आंख को बंद कर देती हूँ, वो बंद करके सो जाती है। तो फाइनली हमारी कृषा सो गई है। अब बज रहे हैं रात के 10, इस टाइम तक हमेशा कृषा सो जाती है। तो कृषा के सोने के साथ साथ यहीं पे ख़त्म होता है हमारा आज का इवनिंग रूटीन। तो कृषा का इवनिंग रूटीन आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आशा करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।